हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीन्स किचन एंड ब्लॉग। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चिकन दम बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है, घर पर आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार हो जाती है। चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, उसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिया है, आप अपने इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और 6-7 लौंग, 3-4 हरी इलायची और तेज़पत्ते ऐड कर दिए हैं, और ये है लगभग 2 टेबलस्पून नमक, और यहाँ पे 7-8 काली मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही, ये मैंने 4 से 5 टेबलस्पून दही ले लेंगे हम यहाँ पे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मची सौंफ और 1/2 छोटी चम्मची जीरा ऐड कर रही हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड किया है, और ये 7-8 हरी मिर्चें हैं। उसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके 2 से 3 सीटी लगा देंगे। और दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन में 4 लीटर पानी गर्म होने के लिए रखा है, उसमें मैंने स्टार एनिस फूल यानी कि चक्रफूल ऐड किया है, और थोड़ा सा ज़ीरा, 2-3 हरी इलायची और 4-5 लौंग और बे लीफ ऐड किया है, और उसमें मैंने नमक डाला है, और 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। थोड़ी देर में पानी में बॉईल आने के बाद हम इसमें अपने राइस ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 kg राइस लिए हैं, बासमती के राइस, आप कोई से भी ले सकते हैं, सैला चावल का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब हम इसको कुछ देर पकने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद में इसको हम चेक करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 5 हरी इलायची और 1 जावित्री का फूल लिया है, 1/2 जायफल लिया है, यहाँ पर उसका हम एक पाउडर बना लेंगे। और एक तरफ यहाँ पे मैंने दही ले ली है, ये 200 ग्राम दही है, इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और अगर यहाँ पर आपको कलर ठीक नहीं लगता तो हम इसमें थोड़ा सा और कलर ऐड कर देंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा ऑरेंज कलर लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा कलर यहाँ पे और ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे 3 से 4 पिंच हम यहाँ पे चीनी ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करके इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे गाइस अपने चावल चेक करेंगे हम, इनको हाथ से तोड़ कर चेक करेंगे हम। देखिए, अभी लगभग ये हो चुके हैं, इन्हें हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से पानी निकाल लेंगे। चावलों को सिर्फ 80% हमें कुक करना है, बाकी के 20% ये दम में कुक हो जाएंगे। और देखिए गाइस, दूसरी साइड हमारा चिकन बॉईल होके तैयार है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसका पानी अलग कर लेंगे और चिकन अलग कर लेंगे। चिकन को मैंने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें मैंने वो जावित्री वाला पाउडर जो बनाया था वो ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून ऑफ लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है, और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा गर्म मसाला ऐड किया है। उसके बाद ये दही का पेस्ट जो मैंने बना के तैयार किया था उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने दही का पेस्ट ऐड कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी, ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं खाते तो आप मत ऐड कीजिएगा। फिर इसको हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चिकन भून के एकदम तैयार हो गया है, और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है
हरी मिर्च का अचार मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे लाल मिर्च का अचार भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। फिर मैंने यहाँ पे सारे चावल ऐड कर दिए हैं जो हमने कुक किए थे, और अच्छे से उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद जो चिकन का पानी बचा हुआ था एक्सेस, उसको हम यहाँ पे धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, फिर इसे थोड़ी देर दम में रखेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम यहाँ पे ये सारा पानी ऐड कर देंगे। और गाइस, अगर आपको ये पानी ज़्यादा लगता है तो ज़रूरत नहीं है सारा पानी ऐड करने की, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना ऐड कर सकते हैं जिससे हमारे चावल अच्छे दम में हो जाएं, उतना पानी हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, जैसे मैं दोबारा से यहाँ पे मैंने 5 मिनट दम देने के बाद थोड़ा सा पानी फिर से ऐड किया है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ब्राउन प्याज जो मैंने तल के निकाली हुई है, पहले तैयार करके रखी हुई है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर। थोड़े से पानी में मैंने यहाँ पे फूड कलर को मिक्स किया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसे कॉटन के कपड़े से दम दे रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से कॉटन का कपड़ा रख के और उसके चारों कॉर्नर्स ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम कुछ भारी चीज़ रख देंगे और लगभग हम इसे 25 से 30 मिनट दम में रखेंगे एकदम स्लो फ्लेम पर। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं अपनी बिरयानी को चेक कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से। देखिए फ्रेंड्स, इसे उतारने का तरीका यही होना चाहिए। एक साइड से हम एक चम्मच की मदद से इसे एक साइड से उठाकर ऊपर की तरफ को पलटेंगे। ध्यान रखिए कि राइस टूटने नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बिरयानी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। आप इसे सलाद के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चाहे तो हरी चटनी के साथ, धनिए की पुदीने की हरी चटनी के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे गार्निश किया है ब्राउन प्याज के साथ में। तो बताइए फ्रेंड्स, आप सभी को ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।